राष्ट्रीय जनता दल के प्रवक्ता एजाज यादव जो हैं पूर्व विधायक, उनके पति अशोक राय द्वारा बिहार सरकार की जमीन को अतिक्रमण कर रहे हैं और वहाँ पक्का निर्माण करने का काम कर रहे हैं। जमीन किसका? अजय यादव? नहीं, अजय यादव का जमीन नहीं है, वकील साहब का जमीन है। उनका उनका अति है, बेटी है, उनका कोई जमीन नहीं, वकील साहब का जमीन है। ये लोग इशू बना, राजनीतिक रंग ला रहे हैं। कोई अजय यादव का जमीन नहीं है, ये वकील साहब का नहीं। मैं जानता हूँ मेरा आरी का है, वो बाउंड्री वॉल, बाउंड्री वॉल हो रहा है। उसका नींव कौन डाला था? हम डाले थे। आप ही डाले थे? ऐसा नहीं है ना कि जो कह रहे कि जो हम बेटी को दे दिए जमीन, ऐसा कुछ नहीं? नहीं, कुछ नहीं। ये अभी तक उनको अपने बहुत जमीन है। आप उधर कॉलेज देखे हैं? जी 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 बिल्कुल। बहुत लंबा चौड़ा है, चारों तरफ उनका जमीन है। वो क्यों जमीन लेंगे? ये मतलब जमीन आप ही के नाम पर? मेरा है। अच्छा, जमीन मेरा है, मेरी माँ के नाम से है, जो अब नहीं दुनिया में है। ये लोग बाहर रहते हैं पटना में, देखिए इसमें भी बाउंड्री वाल किया हुआ है और उसमें भी बाउंड्री वाल, इसीलिए कर रहे हैं। जो लोग अतिक्रमण किए थे उसमें गाय माल बांध रहा था, उसको हटा रहे हैं, इसीलिए इसमें नेतागिरी हो रहा है। एजय यादव जी और अशोक जी का इसमें कहीं से कोई रोल नहीं है। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आशीष आर्य। आप देख रहे हैं पोस्ट भी, अभी देखिए यहां पर अभी हम बिनगाम में उपस्थित हैं। यहां पर देखिए काफ़ी लोग यहां पर इकट्ठा होकर सड़क पर बैठे हुए हैं। देखिए तो हम इनसे बात करेंगे कि क्यों यहां पर इतने सारे इकट्ठे लोग जमा हो गए हैं और किस बात को लेकर यहां पर बैठे हैं। देखिए महिलाएँ यहाँ पर बैठी हैं और जो यहाँ पर है हम बात कर लेते हैं। क्यों आप लोग यहाँ पर इकट्ठा हो गए? हम लोग इकट्ठा इसलिए हुए हैं कि राष्ट्रीय जनता दल के प्रवक्ता एजाज यादव जो हैं पूर्व विधायक, उनके पति अशोक राय द्वारा बिहार सरकार की जमीन को अतिक्रमण कर रहे हैं और वहां पक्का निर्माण करने का काम कर रहे हैं। हमने सीओ साहब को आवेदन दिया, एसडीएम साहब को आवेदन दिया, डीएम साहब को आवेदन दिया और मुख्यमंत्री आयुक्त को देने के बाद मुख्यमंत्री को भी आवेदन दिया, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई। 6 तारीख से लेकर के 17 तारीख ना है, 17 तारीख के बीच में कोई कार्रवाइयाँ नहीं हुई। तो मैं जनता के बीच में आया हूँ, जनता सबसे बड़का अदालत है, जनता निर्णय लेगी कि हमको क्या करना है। सड़क जाम हम आपसे पूछना चाहते हैं कि 1 जरीफ 5 कड़ी चौड़ाई सड़क है और जो है 52 कड़ी या 50 कड़ी लल्लू सिंह ले लिए डुमरी के लोग, जबकि वह बिनगामा की सड़क है और 50 कड़ी या 52 कड़ी विधायक एजाज यादव जी ले लिए, तो आम जनता कहाँ देने चलेगी? मैं यह जानना चाहता हूं आप लोगों से, आम जनता कहां देने चलेगी? यह प्रशासन ने बताएगी कि जैसे सड़क खाली करेंगे कि नहीं करेंगे? सड़क खाली नहीं करेंगे, इसलिए हम जन आक्रोश है, जनता में आक्रोश है। जनता बोल नहीं रहे, बोलती है, लेकिन उसको ये क्षमता कर्जा में नहीं है कि हम रोड पर आकर उतरें, क्योंकि वह विधायक, जज, एसपी, डीएसपी का ध्वस दिखा रहे हैं, प्रदेश प्रवक्ता का ध्वस दिखा रहे हैं। लेकिन और हमारा भी जो है से डीएम कुटुम्ब है, हमारा भी डीएम जो है सो आदमी है, एसपी आदमी में है। मैं पीछे हटने वाला नहीं हूँ, मैं अनशन रखूँगा जब तक प्रशासन आकर के हमको आश्वासन नहीं देगी कि हाँ सड़क को चिन्हित किया जाएगा। 212 खेसरा नंबर है बिनगामा, 100 खेसरा नंबर जलालपुर है, उस सड़क को चिन्हित नहीं कर देते हैं तब तक हम अनशन जारी रखेंगे यहाँ और हम लोग बैठे रहेंगे जब तक जो है सो हमारे समस्या का निदान नहीं हो जाता है। कब आवेदन दिए थे आप? हम 6 तारीख को आवेदन दिया था, 6 दिसंबर नहीं, 6 दिसंबर को, इसी महीने में 6 तारीख को आवेदन दिया था हमने। अभी बनाने का काम स्टार्ट हो, बनाने का काम स्टार्ट है लगभग, वो जो है सो हम समझते हैं भौर छाती के लगभग उठा लिए हैं और वो आगे फिर जोड़ रहे हैं। हम सारा नक्शा ही फेसबुक पर डाल किए हैं, फेसबुक पर हमने डाल करने का काम किया है, अपनी बात वक्तव्य रखा है, समाज के बुद्धिजीवियों से कहा है कि जनप्रतिनिधियों से आग्रह किया है कि आप रोड पर बिनगामा चौक पर आने का आकर के धरना कीजिए, क्योंकि सामाजिक समस्या का निदान तभी होगा, जन आक्रोश नहीं होगा, जनता के अदालत में हम नहीं जाएंगे तब तक हम लोग उनको जहाँ से जनता को न्याय नहीं दिला सकते। देखिए अभी हम आ गए हैं जो कहा जाता है कि एजय यादव जी के आवास पर, हम यहाँ पर हैं जहाँ पर वो आती हैं तो रुकती हैं,
वहाँ पर उनके पिताजी हैं, उनसे हम बात करेंगे। जो विवाद अभी लेकर बिनगामा में जो हो रहा है उसको लेकर हम यहाँ पर आ गए हैं बात करें, क्योंकि एजय यादव जी का नाम आ रहा था कि वही घर बना रहे हैं, बाउंड्री वॉल कर रहे हैं, उनके कारण यह रोका जा रहा है जो गरीब मजदूर हैं। सर, आरोप लग रहा है एजय यादव जी के ऊपर कि वह दबंगई करके वहाँ पर बाउंड्री वॉल कर रहे हैं। मेरी ज़मीन है, वहाँ चारों तरफ मेरी ज़मीन है, केवल वही नहीं है जी, और वहाँ मकान बनाना बहुत मेरे लिए ज़रूरी था, समझ गए जी, जी। पूरा रोड जो दिए हैं सो हम लोग दिए हैं जी, विश्वकर्मा चौक से लेकर वहाँ तक मेरी ज़मीन में है, इधर लक्ष्मी जी से लेकर के यहाँ तक मेरी ज़मीन में है, उत्तर से हम ज़मीन दिए हुए हैं। आप डुमरी में जाके देखिएगा, 4 बीघा के प्लॉट में एक इधर से रास्ता है, एक इधर से रोड है। तो नाम जो एजय यादव जी का आ रहा है कि नहीं वो बनवा रहे, गलत आप बना रहे हैं, लोग प्रचार गलत कर रहे हैं है। इसमें कुछ पॉलिटिशियन लोग पड़े हुए हैं। अच्छा, ये मेरी जमीन है, मेरा मकान बन रहा है, आप बना रहे हैं इसमें हाँ। कहीं ये एजय यादव जी का कहीं कोई कुछ नहीं, जो लगातार वहाँ पर सब विरोध, अनिल जी हैं वो विरोध कर रहे हैं, उसका यही काम है, नलिन उनका यही काम है, कहीं कुछ होता है खड़ा हो जाते हैं, कहीं उनका कोई आदमी फॉलोअर है। महिला भी जो वहाँ पर 2-4-10 बैठी हुई है वो कह रहे हैं कि जो वो भी नाम ले रहे हैं कि एजय यादव जी और अशोक जी ही करवा रहे हैं ऐसा। मेरा जमीन है, उसमें हम बना रहे हैं, उनको क्या लगता है, मतलब आपका जमीन है और आप अपने इसमें एजय यादव जी का कहीं कोई रोल नहीं कुछ है। अच्छा, ये जो घर का जो घर बन रहा है वो बाउंड्री वॉल हो रहा है, उसका नींव कौन डाला था? हम डाले थे। आप ही डाले थे? ऐसा नहीं है ना कि जो कह रहे कि जो हम बेटी को दे दिए जमीन, ऐसा कुछ नहीं? नहीं कुछ नहीं, ये अभी तक उनको अपने बहुत जमीन है, है। आप उधर कॉलेज देखे हैं? जी 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 बिल्कुल, तब बहुत लंबा चौड़ा है, चारों तरफ उनका जमीन है, वो क्यों जमीन लेंगे? मतलब जमीन आप ही के नाम पर? मेरा है। अच्छा, जमीन मेरा है जी। मेरी माँ के नाम से है जो अब नहीं दुनिया में। चलिए, इनका सीधा कहना है कि जमीन मेरी माँ का नाम पर है, उनमें एजय यादव जी का कहीं कुछ नहीं है। देखिए, अभी हम आ गए हैं जहां पर ये कहा जा रहा है, जहां बिनगामा में आपको हम दिखाएं, कहा जा रहा था कि जो एजय यादव जी, तो यहां पर हम पहुंचे तो जो यहां पर लोग हैं पहले उनसे ही बात करा रहे थे, ये एजय यादव जी का जमीन है कि किसका जमीन? सजधर बाबू का जमीन है। तो वहाँ पर जो हंगामा कर रहे हैं वो लोग से लोग झूठ मूठ को कर रहे हैं, उन लोग का रास्ता तो उधर से, इन लोग का इधर से कुछ मतलब नहीं है, अशोक बाबू का ही कुछ नहीं है। एक भाई का मकान इसमें बना रहा है, एक भाई का मकान वहाँ बना हुआ है। अच्छा, दो भाई हैं ससधर प्रसाद के, दो बेटे हैं, एक भाई का मकान इसमें बनेगा, एक भाई का मकान उसमें, अभी फिलहाल बाउंड्री हो रहा है, मकान उकान नहीं बनेगा, सिर्फ बाउंड्री हो रहा है। अपना निजी जमीन में अधिकरण गर्मजरुआ है, सिर्फ मुँह से बोलने से होगा? जमीन को, जमीन का मालिक कौन है? सीओ है, जमीन का मालिक सीओ ने, हम जो कह देंगे आपके निजी जमीन को, जी आम गर्मजरुआ है, आप मानिएगा? जो लोग विरोध कर रहे हैं वो अपने खुद बिहार सरकार जमीन में टंकी बनाए हुए हैं, पानी टंकी भी बनवाए हुए हैं, और लोग अपना सोखता उखता सब बिहार सरकार में उस दिन बनवाए हैं, लोग बोले कि हम बनवाएंगे, और रोड चलने में दिक्कत होता है, चल के उस भी देख लिया जाए वहाँ पे। क्या बोल रहे थे आप? ये जमीन सर, हम ही लोग जोत रहे थे, सब दिन हम ही जोते हैं, इसमें पैदा उदा करते थे, आधा बांट के उनको देते थे, और इधर अपना गिट्टी बालू गिरवाए तो हम सोचे जो उनका जमीन है तो अच्छा अपना ले। चलिए, हम जो रास्ता की बात कर रहे थे, हम आपको रास्ता भी दिखा देते हैं, और ये जो बोल रहे हैं देखिए, ये रास्ता अभी है, इसी रास्ते से जा रहे थे, और यह जो सड़क है, ये लोग का कहना है कि वो सड़क रास्ता उधर से ही है, लेकिन इधर से जा रहे थे जब हमारा नहीं था। ये बाउंड्री वॉल जो हो रहा है, इनका कहना कि ये कसकारी ज़मीन है, इनका अपना निजी जमीन है और ये बाउंड्री वॉल कर रहे हैं, इसमें कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वो लोग जो धरना पर बैठे उन लोग का रास्ता उधर से, उधर से इन लोग नजायज कर रहे हैं, नजायज कर रहे हैं। ये जमीन जो यहाँ पर घिरा हुआ किसका है? ये लल्लू बाबू और फूल बाबू का है। अच्छा, संतोष सिंह लोग का निजी जमीन, तो इधर जमीन जो है जाओ, इधर छूटा भी है क्या? नहीं, इधर नहीं छोड़े हुए, पूरा बाउंड्री वॉल पूरा लोग अपना जमीन में है, अथी किए हुए हैं, अपना छोड़े हुए सिंह जी का है। अच्छा, 3 फीट उधर से आप छोड़े हुए हैं? हाँ, 3 फीट छूटा हुआ है। अच्छा, 3 फीट, और ये भी छोड़ रखे हैं कुछ जमीन। चलिए, तो ये कहना है कि हम आने जाने के लिए 3 फीट जमीन छोड़ रखे हैं, और उधर से भी दोनों तरफ से छोड़ दिया गया है, तो हम दिखा रहे थे रास्ता है ना, देखिए यहाँ पर आने जाने के लिए यहाँ पर रास्ता जो छोड़ रखा गया है कि आपको आने जाने में कहीं से कोई दिक्कत नहीं हो। तो जो आरोप लगा रहे हैं कि एजय यादव जी का जमीन है, तो हम दोनों पक्ष की बात आपको सुनाएं, फैसला आपको करना है। आप इस पर कमेंट दे सकते हैं कि यह जमीन, जैसा कि यहाँ के लोग बोले कि शिशुधर जी ना,
शशिधर प्रसाद, शशिधर प्रसाद जी, प्रसाद जी का यह जमीन है। और दो भाई हैं, एक भाई यहाँ पर जिया जी इसमें दूर दूर तक कहीं नहीं है, अशोक जी दूर दूर तक कहीं नहीं है, वो अपने कॉलेज बनाए हुए वहाँ पर रहने के लिए उनका व्यवस्था है, उनका निजी घर वहाँ है, ये उनका बेटा का भाई बनेगा, जो बेटा बढ़े कोई नहीं है। चलिए हम दोनों आदमी का बयान सुना, इनके पिताजी का भी हम सुनाए कि ये जमीन अजय यादव जी के कहीं दूर दूर तक उनका जमीन है ही नहीं, उनके पास जमीन की कभी नहीं है, इसलिए यह बेफजूल की बात वहाँ पर उठाया जा रहा है, अफवाह हो रहा है, अफवाह हो रहा है, अफवाह हो रहा है। क्या नाम हुआ? मेरा नाम है टुट्टू सिंह। ये जो वहाँ पर हंगामा कर रखे हैं हंगामा में कि कह रहे कि सब जमीन वहाँ पर गर्मजरुआ जमीन पकड़ लिया है सब, कोई गर्मजरु नहीं, मेरा पर्सनल जमीन है। हाँ। और बरसों से 3-4 बार नाप हो चुका है इसका। अच्छा। और इन लोग चाहते हैं कि प्रदर्शन करने वाले कि गाय भैंस देखते हैं हम लोग का जमीन में, मतलब 5 कट्ठा मेरा पर्सनल हिस्सा है उसमें, मतलब पूरा खोल के रखे हैं और कोई फसल देखिए कितना मेरा नुकसान है इनका, पूरा जमीन है जिनका, और यहाँ पर कोई गर्मजरुआ जमीन नहीं है, सब निजी जमीन है, इधर आपका है और इधर शशिधर प्रसाद जी। हाँ, वकील साहब। अच्छा, उनका है। अच्छा। और हम लोग इसलिए इसको अति करते हैं कि देखिए मेरा फसल इन जो रखे हुए हैं इनका कोई यहाँ पर जमीन है, पर्सनल जमीन है। निजी जमीन में ये लोग जबरदस्ती रह रहे हैं और उसका इशू करते हैं कि नहीं कि मेरा निजी जमीन बनाएंगे, हम ये हैं बगल के हैं तो हमें जबरदस्ती करेंगे और हम लोग यहाँ रहते नहीं है तो मैंने पूरा फसल को देखिए यहाँ से वहाँ तक बांध के चरा के। अच्छा, ये जमीन आप लोग दोनों मिलकर थोड़ा थोड़ा रास्ता के लिए छोड़ नहीं, रास्ता के लिए छोड़ दिए हैं कि पब्लिक को रास्ता जाम नहीं हो, इसलिए रास्ता के लिए दिए दोनों तरफ के लोग। हाँ, हाँ, दोनों तरफ से मोटरसाइकिल साइकिल पब्लिक आते रहे। कोर्ट में केस है, इंजंक्शन है, नाफेगा, रोड कभी नहीं था, रोड कभी कोर्ट में मामला है, इंजंक्शन लगा हुआ है, समझे ना, कोर्ट में मामला है, कोर्ट आएगा, कमिश्नर नाफेगा, समझे ना। देखिए हम अपना में से लोगों को पैदल चलने के लिए इधर के लिए देती है। अच्छा, पैदल जाने के लिए आप लोग रास्ता घर यो है, देख ले रहे हैं आपकी नजर के सामने ना, पैदल चले सब, मेरा पर्सनल लीजिए है या मेरा घर है, घर देखिए हम पैदल दिए और इस घर हमारा और ये अपना पर्सनल रास्ता दिया घर का, मैं पैदल चले, सरकार का रास्ता नहीं है ये, पैदल चलने के लिए पब्लिक को डिस्टर्ब उसके लिए दिए हुए, और लोग बोलता है इसमें ये आइए तो कोई सरकारी रास्ता थोड़े है, और मेरा कोर्ट में मामला है और स्टे लगा हुआ कोर्ट से सिविल कोर्ट में, और इसमें नापी हो कमिश्नर गया बहाल हुआ इसमें रोक कोर्ट से, हम लोग सिविल में कोर्ट केस किए हुए हैं इसमें, और मेरे पास डॉक्यूमेंट्स भी है सब इसका, इंजेक्शन का। हाँ, तब तो यानी कि वो लोग जो कर रहे हैं ऐसे ही अफवाह फैला रहे हैं उन लोग का है कि एक और बात आप लोग सर, ये एक चीज बताता हूँ, इन लोग का इधर जमीन न उधर जमीन, उनका घर जलालपुर में, घर वहाँ है एक दूर न इधर न उधर जमीन है, और जबरदस्ती जबरदस्ती अतिक्रमण करके कहते हैं जबरदस्ती किस्म हम रखेंगे और बात जो वहाँ पर बैठे हैं खास करके एक अजय यादव जी के प्रति, जमीन किसका है? यादव का जमीन नहीं है, वकील साहब का जमीन है, उनका उनका अति है, बेटी है, उनका कोई जमीन नहीं है, वकील साहब का जमीन है, ये लोग इशू बना राजनीतिक रंग ला रहे हैं, कोई अजय यादव का जमीन नहीं है, ये वकील साहब का नहीं, मैं जानता हूँ मेरा आरी का है वो वकील साहब जी और अशोक जी का ही कर रहे हैं, घर वाला लाया है, घर वाला तो है, देख रहे हैं, देखिए हम सारा आपको यहाँ पर है, उनका रास्ता ही था, रास्ता है इनका, गर्मजरुआ जमीन है, रखेंगे हमारे दूर आप इधर जमीन कहीं इनका नहीं है, घर वहाँ है, उनका घर वहाँ है, तो उनका यहाँ पर घर है, वो जबरदस्ती बनाते हैं, इशू बनाते हैं, राजनीतिक रंग देते हैं कि हम घुसेंगे, इसलिए हम कोर्ट में मामला किए हुए हैं, इसलिए हम कोर्ट में केस लिए, मेरे पास टोटल डॉक्यूमेंट्स है, इंजेक्शन लगाया है उसका कि कल हम पर ये नहीं करेंगे। देखिए यहाँ पर जो सामने दो जो जमीन है यहाँ पर वो बोल रहे हैं कि इधर अजय यादव जी का तो कहीं जमीन नहीं है, अजय यादव जी का कहीं जमीन नहीं है, और कोई जमीन यहाँ पर जो इशू बना रहे पॉलिटिकल इशू बनाने की वहाँ पर कोशिश किया जा रहा है कि ताकि अजय यादव जी और अशोक राज जी का बदनाम किया जाए, बर्बादी वाला भी दिखा दीजिए। हाँ, तो हम दिखा ही रहे ना, क्या बर्बादी होता है, बर्बाद जा रहा है जमीन, समझे, कई वर्षों से ये जो है जबरदस्ती कब्जा की हुई तब बर्बाद जा रहा है, अब इसमें कितना फसल होता तो लोगों को जो अनाज चलने के था अपना ये दे दिया जी, पर्सनल जमीन है, पर्सनल जमीन दे रखे हैं, तब वहाँ भी पर्सनल हम दे दिया, वहाँ भी हम पर्सनल जमीन में रास्ता दे दिया, रोड है, घर है मेरा, और लोगों से पूछा जाए। हाँ हाँ, किन का जमीन है ये? लल्लू सिंह जी का है, लगातार छोड़े हुए थे बरसों से ऐसे ही कि जबरदस्ती कोई इस पर काम कर रहा है, जबरदस्ती वाला है, तब ना केस किया मामला कोर्ट में था। अच्छा, केस चल रहा है अभी कि
किस चीज के लिए केस आप किए थे? केस किए थे ना कि मेरा जमीन को जबरदस्ती मेरा जमीन को रोड बना दिया चाहते थे। अच्छा, रोड नहीं था हम कि नहीं हम आपका पर्सनल जमीन लेंगे हम इंजेक्शन से रोड बना देंगे। इसके लिए अभी कोर्ट इंजेक्शन लगा हुआ है, कोर्ट में इंजेक्शन लगा हुआ है, कमिश्नर गठन होगा तब इसको नापी होगा। चलिए, हमारा जमीन कोर्ट चाहता था कि ये करें जबरदस्ती। कोर्ट में यह मामला गया हुआ है कि निजी जमीन पर वो लोग जबरदस्ती सड़क बनाने की मांग कर रहे थे और जो लोग बैठे हुए धरना पर्सन उनका इधर है ना उधर, कोई उनका मामला नहीं, कोई ब्लॉक नहीं है, उनका बगल में कोई जमीन भी नहीं है। रास्ता पूरा कितना रहना है, कौन रास्ता ब्लॉक हो रहा है देखा जाए उनका, इधर कौन रास्ता ब्लॉक हो रहा है उनका, कौन रास्ता ब्लॉक। चलिए, इनका कहना है कि कोई भी रास्ता ब्लॉक नहीं है, वो सिर्फ पॉलिटिकल रंग देने के लिए वहाँ पर धरना, पैदल चलने के लिए 5 फीट का रास्ता दिया हुआ है। पहले जमीन में जलालपुर के लोगों के लिए रास्ता।